780 km for the flight. Electronic engine. And I just miss Mumbai. I'm missing Mumbai like anything else. साढ़े दस होने वाला, एक स्वेटशर्ट इस वाले बैग में ऊपर ऊपर, क्योंकि देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। मम्मी डैडी से मेरी बात हुई, वो बोल रहे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और हाँ, लगेज बहुत ज़्यादा है, एक और ट्रॉली बैग मेरे पास बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ऊपर से इस वाले बैग को भी मैं ढंग से नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ टैटू है। ओके ब्रो, चल भाई बिल्कुल बढ़िया है, मिलते हैं जल्दी, चल मेरे भाई, बाय। निकल चुका हूँ, नींद अधूरी है, रात को 4 बजे करीब हम लोग सोए थे, तो उनकी भी नींद अधूरी थी, इसलिए मैंने उठाया नहीं उन्हें। ऊपर से मैंने उनको ये भी नहीं बताया था कि मेरी अभी की फ्लाइट है, उनको लग रहा था शाम की होगी, मैंने कहा सोने दो, फटाफट से हम निकलते हैं। एक हाथ में ये है, एक हाथ में ये है, और आधे कंधे में ये वाला बैग है। आई डोंट नो मैनेज कैसे होगा, बट डू व्हाट यू कैन। नींद मेरी भी पूरी नहीं हुई है। आईडी बजने वाला है, चेक इन कर लिया है, बैगेज चेक इन हो चुका है, और अब ये हैंड लगेज में जाएगा। फटाफट से सिक्योरिटी चेक इन करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पूरा बैग खोल के रखना पड़ेगा आपके सामने। नमस्कार, सभी प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी विमानतळावर आपले नाक आणि तोंडावर मास्क लावून ठेवावे, या सरकारी नियमांचे पालन करते। 12:10 हो रहा है अभी, और सबसे झंझट वाला काम सिक्योरिटी चेक इन बुक कर चुका हूँ मैं, 8:50 की फ़्लाइट है। और हाँ, यहाँ दोनों ही पार्कोस में जो मेरे को परफ्यूम चाहिए थे वो नहीं मिले। मुंबई में भी जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सफोरा पार्कोस वगैरह सब में, नायका वगैरह, कहीं भी वो परफ्यूम नहीं मिले जो मुझे चाहिए था। सबको पता है देहरादून में कितना ठंडा है, और मैं देहरादून पहुंच के चेंज कर रहा हूँ। Have attention please, we request you to use electronic devices only in flight mode. Any device without flight mode must be switched off and stored away for the flight. Electronic entertainment devices or voice recorders may be used post takeoff. Thank you. अभी खुद
crossing at an altitude of 38,000 feet, maintaining a heavy ground speed of close to 780 kilometers an hour. At the present moment, we expect to land at our destination, Mumbai, in the next 35 minutes. Thank you so much. लैंड होना था और 445 हो चुका है, फटाफट से निकलते हैं यार। मुंबई के 31 डिग्री से आ चुका हूँ मैं देहरादून के 7 डिग्रीज पे। ओहो, अब फटाफट से टैक्सी बुक करते हैं। 1090 देहरादून पहुँच गए। अरे प्रणाम बेटा, अब ऊपर मंदिर का दर्शन करते हैं जरा सबसे पहले और फिर रूम पे। मुझे जॉली ग्रांड एयरपोर्ट से लेकर अपने घर तक अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगे और डिस्टेंस वाइज होगा ये 26 या 27 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। और उस डिस्टेंस का टैक्सी फेयर है 1090। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एयरपोर्ट का टोल टैक्स है 20 रुपीज़, वो भी मुझे पे करना पड़ा। जो टोल टैक्स पड़ता है बीच में रास्ते में 85 रुपीज़, वो भी मुझे ही पे करना पड़ा। और ये चीज़ स्पेशली मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे साथ एक सिचुएशन हुई है जब मैं मुंबई के मरीन लाइन से अंधेरी वेस्ट आया था जहाँ मैं स्टे कर रहा था, जो कि डिस्टेंस वाइज था 32-35 किलोमीटर्स। टाइम मुझे लगा था अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा। 10 बजे मैंने कैब पकड़ी थी और 11:30 बजे मैं अंधेरी वेस्ट अपने फ्लैट पे पहुंचा था। पूरे सफर का मुझे फेयर पड़ा था 620 रुपीज, सिर्फ 620 रुपीज। रास्ते में सीलिंग भी पड़ता है जिसका टोल टैक्स टैक्सी वाले ने ही पे करा, उसके लिए उसने मेरे को नहीं बोला। बट यहाँ एनीवे, आई लव देहरादून, मुझे देहरादून से प्यार है। 12 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर और मुंबई में था 31। इसको वार्डरोब में जगह देने की बारी आ गई है। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं मुंबई से लाया हूँ वो है, एक तो ये है भैया ताज का वेलकम कार्ड और एक लाया हूँ मैं ये मिड डे न्यूज़पेपर जिसमें इतनी बड़ी फोटो छपी थी तुम्हारे भाई की। आई हेट इट, एयरपोर्ट वाले बैग्स इतने बेरहमी से फेंकते हैं ना। ये देखो क्या हालत होगी इसकी, इतना प्यारा बॉक्स। एनीवे, एक और चीज़ जो इस वार्डरोब के लिए आई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, उसको हम बाइज्जत यहाँ रखने वाले हैं। ब्लैक पेपर है ना, थैंक यू सो मच। ये देख लो, क्योंकि संडे है तो मैंने सोचा कि आज एक लास्ट बारी रेगुलर डेज में कुछ बाहर का खा लेते हैं, कल से वापस अपना सैलेड डोट्स चालू हो जाएगा। तो अपना ब्लैक पेपर से ही मंगा रखा है। अब देखो, मैं आ रहा हूँ मुंबई के मौसम से तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगने वाला है। वहाँ एसी चल रहा था और यहाँ रूम हीटर चल रहा है और ये पीछे सभी सामान मेरा बिखरा पड़ा है। अभी राजमा घर में बना रखी है मम्मी ने, बाहर से मैंने पनीर मंगवाया, राइस, मंडवे की रोटियाँ, जिस किसी को नहीं पता गढ़वालियों के घर में विंटर्स के टाइम पे ऐसे मंडवे की रोटियाँ बनती हैं। और ये मेरा फेवरेट ब्लैक पेपर का बटर नान, शक्ल देखो ज़रा इसकी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ बातें मैं मुंबई पे बोलना चाहूँगा। आई एब्सोल्युटली लव मुंबई, मुंबई मेरी जान है। मैंने 2.5-3 साल मुंबई में गुजारे हैं, सपने देखना मुझे मुंबई ने सिखाया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मुझे इतना लगाव ना होता अपने इस घर से, अपनी फैमिली से, तो मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका होता विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकेंड थाट मैं मुंबई कब का शिफ्ट हो चुका होता। लेकिन मेरी ज़िंदगी यहाँ है, ये घर, मेरा परिवार। तो या आज जब मैं मुंबई से वापस आ रहा था तो मुझे लिटरली वो दिन याद आ रहा था जब मैं मुंबई पहुंचा था और जैसे मैं वहां उस दिन शूट कर रहा था वो सब कुछ फ्लैशबैक की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था। थैंक यू सो मच प्रशांत इतने दिन मुझे मेरे शूट में सपोर्ट करने के लिए। और आई जस्ट होप कि आप लोगों ने प्रशांत का चैनल देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लेना। बाकी आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आई जस्ट मिस मुंबई, आई एम मिसिंग मुंबई लाइक एनीथिंग यार।